हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख के लिया होगा कि आज हम एक गेम बनाने वाले हैं प्योर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। जी हाँ, कौन सी गेम बनाने वाले हैं पहले वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको डेमो दिखा देता हूँ। हम लोग रॉक पेपर सीजर गेम बनाने वाले हैं। आपने बचपन में खेली होगी रॉक पेपर सीजर। एक चॉइस करता है यूजर अपनी मर्जी से और एक रेंडमली जनरेट करता है कंप्यूटर। उसमें से रॉक हो सकता है, पेपर हो सकता है या सीजर हो सकती है। अगर यूजर ने भी सीजर सेलेक्ट कर दिया और कंप्यूटर ने भी सीजर सेलेक्ट कर दिया तो मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, गेम जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, कोई भी नहीं जीतेगा। अगर यूजर ने पेपर सेलेक्ट कर दिया, पेपर और कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट कर दी, अब जो कैंची है वो पेपर को तो कट कर सकती है, तो इसलिए कंप्यूटर जो है वो विन कर देगा। इसी तरह बाकी चीजें भी काम करेंगी, जैसे रॉक है और पेपर है और सीजर है और रॉक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट गेम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बटन है स्टार्ट गेम का, तीन बटन आपके पास शो हो जाएंगे। सबसे पहला रॉक, फिर पेपर, फिर सीजर। मैं इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ पेपर, सॉरी सीजर, तो आ गया कंप्यूटर विनर रॉक। कंप्यूटर ने जो सेलेक्ट किया था वो था रॉक और हमने सेलेक्ट की सीजर। तो ये जो मुक्का होता है रॉक, इसने जो है सीजर को जो है वो मारा और सीजर जो है वो टूट गई, तो इसलिए जो है वो विनर हो गया कंप्यूटर। आई होप आपको समझ में आ रहा है गेम। दोबारा से स्टार्ट गेम पर क्लिक करते हैं, रॉक पर जो है वो सेलेक्ट करते हैं, और हमने भी रॉक सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने भी रॉक सेलेक्ट किया, तो मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। स्टार्ट गेम पर क्लिक करते हैं, पेपर सेलेक्ट करते हैं, तब भी ड्रॉ हो गया क्योंकि उसने भी पेपर सेलेक्ट किया था। दोबारा से ड्रॉ हो गया, तो अब मैंने पेपर पर सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने जो है वो रॉक सेलेक्ट किया, तो इसका मुझे चक्कर नहीं पता। ये जो पेपर जो है वो, ये जो मुक्का होता है रॉक होता है, उसको पता नहीं कैसे मार देती है और वो टूट जाता है। तो क्योंकि वो कट नहीं होता ना, पेपर कट नहीं सकता रॉक से, तो इसलिए यूजर जो है वो विन कर दिया। तो गेम की समझ में आ गई सबको, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीएस कोड के अंदर। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। यहाँ से बंद कर देता हूँ, वीएस कोड के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास दो फाइल्स हैं, index.html और app.js। ये दो फाइल्स हैं जिनके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। यहाँ से कॉपी पाथ कर लेता हूँ। उससे पहले मैं एक्सक्लेमेशन और टैब दबाकर अपना जो है बॉयलर प्लेट वो ले आता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ js game, जावास्क्रिप्ट game। फाइल को कर देता हूँ सेव। और ये लिंक, ये जो जितना भी कोड करेंगे आज हम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। फ्री में सोर्स कोड जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, आप नीचे से जाकर गिटहब का लिंक मिल जाएगा, वहां से एक्सेस कर सकते हैं। index.html बना दिया। सबसे पहला काम स्टार्ट गेम का जो है वो बटन बनाना है। तो यहाँ पर एक डिव लूंगा जिसको मुझे सेंटर में लाने के लिए एक आईडी देनी पड़ेगी स्टार्ट गेम की, स्टार्ट गेम, और मैं इस डिव को क्लोज करूंगा और इसके अंदर एक बटन बनाऊंगा। बटन बना दिया और जिसके अंदर लिखूंगा स्टार्ट गेम। फाइल को कर दिया सेव। दिखाता हूँ आपको index.html का पाथ, कॉपी करता हूँ, गूगल क्रोम पर आया, पेस्ट किया और स्टार्ट गेम आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्टाइलिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम जो है वो लॉजिक बना लेंगे सब चीजों का, सही है, स्टाइलिंग हम बाद में करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे तीन बटन्स और क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ div, जिसकी क्लास दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल बटन्स, कोई रेंडम सी क्लास दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं मल्टीपल btns। उसके बाद यहाँ पर मैं तीन बटन बना लेता हूँ। सबसे पहला बटन जो होगा वो होगा रॉक, सेकेंड हमारे पास होगा पेपर, और थर्ड जो होगा वो होगा सीजर्स। तीन बटन आ गए, दिखाता हूँ फाइल को सेव करके, रिफ्रेश करता हूँ तो तीन बटन आ गए। लेकिन मुझे अभी इन तीनों बटन्स को जो है वो हाइड करना है। कैसे होंगे हाइड,
क्योंकि हमने क्लास दी है, क्लास की जगह मैं आईडी दे देता हूँ इनको। आईडी ज्यादा बेटर है, अगर आप एक एक के यूज करना चाहते हैं तो आईडी ज्यादा बेटर रहती है। इन इस आईडी को जो है, ये जो हमारा डेव है, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ। कैसे करूंगा? जावास्क्रिप्ट के थ्रू करूंगा। वेयर मल्टीपल बीटीएंस, तो ऐसे नहीं लिख सकता, मुझे कैमल केस यूज करना पड़ेगा, या मैं हाइफन भी लगा सकता हूँ। इस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सी जो हमने सेलेक्ट की है, ये आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके जो डिस्प्ले है उसको नन करना है। तो मल्टीपल बीटीएंस, मल्टीपल बीटीएंस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। नन कैसे आएगा? नन जो है वो कोट्स में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, ऐसे जो है वो नहीं चलेगा। फाइल को करता हूं सेव। अभी कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने फाइल को जो है वो अटैच नहीं किया, लिंक नहीं किया अपनी जेएस फाइल को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट का जो है वो सोर्स यूज करना पड़ेगा और ऐप डॉट जेएस को जो है वो लिंक करना पड़ेगा। फाइल को करता हूँ सेम, रिफ्रेश करता हूँ तो वो गायब हो गए। सही है। अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट गेम का लॉजिक लिखना है। यहां पर एक ऑन क्लिक लगा दूंगा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर जो है वो मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा, स्टार्ट गेम नाम के फंक्शन को जो है वो मैं कॉल करूंगा। यहां पर मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा अपनी ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर आकर। फंक्शन स्टार्ट गेम, उसके बाद स्टार्ट गेम के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मुझे क्या चाहिए, स्टार्ट गेम जैसे ही क्लिक हो तो ये जो मेरी, ये मैं इसको एक आईडी देनी पड़ेगी। यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार्ट, स्टार्ट लिख देता हूँ सिर्फ। यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे ही मेरे स्टार्ट गेम पर क्लिक हो, स्टार्ट बटन पर, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी जो है वो ये वाली स्टार्ट वाली, डॉट डिस्प्ले, सॉरी स्टाइल तो लिखा नहीं, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। डिस्प्ले नन कर दूंगा, जैसे स्टार्ट गेम पर क्लिक होगा उसकी डिस्प्ले जो है वो नन हो जाएगी। और ये मुझे ऑन क्लिक आई थिंक यहाँ पर लगाना था, यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ, जैसे इस बटन पर क्लिक हो और ये बटन ही गायब हो जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। फाइल को करता हूँ सेव, रिफ्रेश करता हूँ, स्टार्ट गेम पर क्लिक किया तो स्टार्ट गेम का बटन जो है वो हाइड हो गया। इतना हो गया, अब स्टार्ट गेम का बटन हाइड हो गया, मल्टीपल बटन्स की डिस्प्ले को मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। अब वो भी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इसी को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर रख दिया। और यहाँ वायर लिखने की भी जरूरत नहीं है, और मल्टीपल बटन्स डॉट डिस्प्ले डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर दी। अब मुझे क्या होगा, जैसे ही मैं स्टार्ट गेम पर क्लिक करूंगा, ये बटन जो है वो हाइड हो जाएगा और रॉक पेपर सीजर वाले बटन जो हैं वो शो हो जाएंगे। स्टार्ट गेम पर क्लिक किया तो देख रहे हैं आप, रॉक पेपर सीजर बटन जो है वो शो हो गए हैं, डिस्प्ले उनकी ब्लॉक हो गई है और स्टार्ट गेम का जो बटन है वो हाइड हो चुका है। आई होप यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं है, सब क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक रैंडम जो है वो जनरेट करना है जो कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा। मुझे एक फंक्शन बनाना है कंप्यूटर सेलेक्टेड नाम से, फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन जो कंप्यूटर अपनी मर्जी से एक सेलेक्ट करेगा रॉक पेपर और सीजर में से। सही है, फंक्शन बना लेता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर सेलेक्टेड, कंप्यूटर सेलेक्टेड नाम का एक फंक्शन होगा जिसमें क्या होगा, कंप्यूटर जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो कुछ एक रैंडम जनरेट करेगा। तो यहाँ पर मुझे रैंडमली जनरेट करने के लिए मैथ डॉट रैंडम की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ जनरेट, जनरेट रैंडम, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैथ डॉट रैंडम,
और ये क्या करेगा, 0 से 1 के दरम्यान में हमें रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं कंसोल में दिखा भी देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग जनरेट रैंडम, कंट्रोल एस से सेव किया और यहां पर मैं रिफ्रेश करूंगा और कंसोल में आऊंगा। कंसोल में आऊंगा और दिखाता हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो यहां से मैं फंक्शन को जो है वो कॉल भी कर लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कॉल किया, ये देख रहे हैं हर बार वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। ये क्या वैल्यू दे रहे हैं, 0 से 1 के दरम्यान में जो है ये हर बार वैल्यू दे रहे हैं मुझे। अब मेरा काम तो बहुत आसान हो चुका है, मुझे क्या करना है, सिंपल वीएस कोड के अंदर आऊंगा और यहाँ पर मुझे इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ की कंडीशन क्या लगेगी बता देता हूँ। इफ अगर जनरेट रैंडम नंबर, इसने जो जनरेट किया है रैंडम, वो अगर छोटा है 0.33 से या 34 से या इक्वल टू है 33 के, ये भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर इक्वल टू लगा के यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। अगर 0.34 से छोटा है, मतलब 0.33 है या उससे भी छोटा है, तो क्या करो, मुझे यहाँ पर ऑप्शंस भी बनाने पड़ेंगे, एक एरे लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वेरिएबल्स ऑप्शंस इज इक्वल टू रॉक रॉक पेपर और सीजर्स। सही है, रॉक पेपर सीजर्स। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर जनरेट नंबर छोटा है 0.34 से तो रिटर्न कर दो क्या ऑप्शंस 0, अगर 0.34 से छोटा है तो रॉक होगा। सही है, रॉक होगा। एल्स इफ और अगर मेरा जनरेट रैंडम नंबर अगर छोटा है 0.67 से, 0.67 से, तो क्या करो, ऑप्शन 1 को रिटर्न कर दो, मतलब पेपर को। ये पेपर है ऑप्शन 1 पर, आपको पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो रिटर्न कर दो। अच्छा, मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया था रिटर्न, तो ऑप्शन 1 को जो है वो रिटर्न कर दो। एल्स, अब एल्स इफ लिखने की नीड नहीं है, अगर नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है एल्स में ही आएगा, और यहाँ पर मैं ऑप्शन 2 कर दूंगा। ये क्या हुआ, कंप्यूटर सेलेक्टेड हो गया, कंप्यूटर ने एक अपनी मर्जी से जो है वो सेलेक्ट कर दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कंसोल के अंदर कि ये वाकई चल भी रहा है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। कंसोल में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ एक बार, रॉक पर क्लिक किया, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर देख लेता हूँ, मैट डॉट रैंडम जनरेट रैंडम रिटर्न। अच्छा, यहाँ पर हमने किसी चीज को कंसोल नहीं कराया हुआ तो इसीलिए नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को जो है वो कंसोल के अंदर कॉल कर लेता हूँ, कंसोल के अंदर कॉल कर लेता हूँ और अब जो है हमारा चल जाएगा। पेपर आया, रॉक आया, पेपर आया, रॉक आया, पेपर रॉक सीजर सीजर्स, ये देख रहे हैं आप, ये हर बार पेज रिफ्रेश होने पर जो है वो कॉल हो रहा है और एक रैंडम जो है वो रॉक पेपर सीजर में से सेलेक्ट कर कर दे रहा है। यहां तक आप सबको क्लियर हो गया, अब यहाँ पर इन तीनों पर जो है वो ऑन क्लिक लगेंगे और ये क्या करेंगे, ऑन क्लिक यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर सेलेक्टेड, यूजर सेलेक्टेड ये फंक्शन कॉल होगा जब भी इन बटन्स पर जो है वो क्लिक होगा, और ये एक अपना जो है वो आर्गुमेंट पास करेंगे। यहाँ पर आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, रॉक जो है वो रॉक पास करेगा, सीजर जो है वो सीजर पास करेगी और पेपर जो है वो पेपर पास करेगा। यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर पेपर आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो सीजर आ जाएगा। फाइल को कर देता हूँ सेव। अब मुझे ये फंक्शन बनाना पड़ेगा उधर आकर, और यहाँ पर तो है, यहाँ पर जो है मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन यूजर सेलेक्टेड और हमने एक आर्गुमेंट पास किया है, तो यहाँ पर मुझे उसको एज अ पैरामीटर लेना पड़ेगा। एज अ पैरामीटर मैंने इसको ले लिया, यूजर चॉइस रख देता हूँ इसका नाम, यूजर चॉइस,
और यहाँ पर जो है वो इसको जो है मैंने फंक्शन बना लिया। इतना हो गया। अब जैसे यूजर क्लिक करेगा तब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि जैसे ही बटन पर रॉक पेपर सीजर में से जो है वो क्लिक होगा तभी तो ये कॉल होगा, तभी तो ये अपनी मर्जी से जो है वो जनरेट करेगा एक रैंडम। तो ये जो है इतना तो हो गया। अब जैसे ही यूजर ने सेलेक्ट किया तो हमें जो यूजर चॉइस के अंदर है वो रॉक पेपर और सीजर आ चुका है। अब मुझे पता करना है कि वो कैसे जो है वो उस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेगा। इफ यहाँ पर कंडीशन लगेगी, इफ यूजर सेलेक्टेड और कंप्यूटर सेलेक्टेड की जो है वो कंडीशन लगेगी, तो मुझे इसको जो है एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, वेर कम सेलेक्ट, यहाँ पर इसका मतलब है कंप्यूटर सेलेक्ट। अब यहाँ पर जो कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया है और यूजर ने जो सेलेक्ट किया है, यूजर चॉइस अगर इक्वल टू कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर चॉइस ही लिख देता हूँ, आपको समझने में जो है वो आसानी होगी। कंप्यूटर चॉइस है, चॉइस की स्पेलिंग गलत लिख दी, चॉइस अगर यूजर ने जो सेलेक्ट किया है और कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया है अगर वो दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं तो मुझे एक H1 क्रिएट करना है, वो मैं यहाँ पर पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ div, जिसकी जो है आईडी रखूंगा रिजल्ट, रिजल्ट, और यहाँ पर जो है इसको क्लोज करूंगा और इसके अंदर एक H1 लूंगा। पहले जो है वो खाली रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आईडी लिख देता हूँ टेक्स्ट रिजल्ट, टेक्स्ट रिजल्ट। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से मुझे इसको टारगेट करना पड़ेगा। जैसे ही जो है वो इस पर क्लिक होगा तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो टेक्स्ट रिजल्ट है डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कंप्यूटर, तो अगर ड्रॉ ये होगा तो ड्रॉ हो जाएगा ना, मैं तो यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रॉ, देखते हैं ये काम भी कर रहे हैं या नहीं। तो अब सेम सेलेक्ट कर ले, यहाँ पर क्लिक किया रॉक हुआ, तो अब रॉक किया, दो बार मैंने क्लिक किया जब दूसरी बारी में उसने जो है वो सेलेक्ट किया और ड्रॉ हो गया मैच, देखा आपने। अब यहाँ पर क्या करना है, else if लगेगी, अब else if अगर कंप्यूटर चॉइस अगर बराबर बराबर है, तो ये तो हमने लॉजिक लिख दी, इफ कंप्यूटर चॉइस अगर नॉट इक्वल टू, नहीं नॉट इक्वल टू नहीं होगा, अब यूजर ने जो सेलेक्ट किया है वो हमें देखना पड़ेगा और कंप्यूटर ने जो सेलेक्ट किया है वो हमें देखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल यूजर ने जो सेलेक्ट किया अगर वो रॉक है और यूजर ने जो सेलेक्ट किया अगर वो रॉक है और कंप्यूटर ने जो सेलेक्ट किया वो, हम ये काम हम एक भी इफ में कर सकते थे लेकिन हमने अब बना दी, और कंप्यूटर ने जो सेलेक्ट किया वो पेपर है, मतलब कि ऑप्शन वन है, कंप्यूटर ऑप्शन, कंप्यूटर चॉइस ऑप्शन वन, ऑप्शन वन है। ये समझ में आया आपको, ये मैंने बोला अगर यूजर ने जो भी चॉइस किया है, मतलब रॉक पेपर और सीजर में से अगर यूजर ने चॉइस किया है फॉर एग्जाम्पल रॉक और कंप्यूटर ने भी सेलेक्ट कर दिया रॉक पेपर, तो रॉक जो है वो पेपर को जो है वो कट नहीं कर सकता, तो इसलिए जो है वो पेपर जो है वो विन हो जाता है। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, एंड भी लिख देता हूँ, कितनी कितनी कंडीशन में जो है वो कंप्यूटर विन करेगा और कितनी कितनी कंडीशन में जो है वो यूजर विन करेगा, मुझे यहाँ पर सारे का लॉजिक लिखना पड़ेगा। इफ यूजर चॉइस अगर, इफ यूजर चॉइस, यूजर की चॉइस को देखो और ऑप्शन वन को देखो, अगर जो है वो बराबर हो जाते हैं तो क्या करो, इनको रिटर्न कर दो। तो सॉरी गाइज, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर अभी मैं किस चीज का लॉजिक लिख रहा हूँ, जब जब कंप्यूटर विन हो रहा है तो यहां पर मुझे लिखना है अगर यूजर चॉइस अगर इक्वल टू ऑप्शन वन है, मतलब यूजर ने चॉइस किया है ये रॉक
और कंप्यूटर ने चॉइस की है, कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू ऑप्शन टू सही है। मैंने यूजर ने चॉइस किया पेपर और कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया सीजर, तो कंप्यूटर ही जीतेगा ना। सही है, यहां पर सबको क्लियर हो गया। यहां पर एंड आना है और मुझे यहां पर लिखना है और। अब दूसरी चीज का लॉजिक लिखेंगे और। अब कब जीत सकता है कंप्यूटर, जब यूजर ने सेलेक्ट किया, यूजर चॉइस अगर इक्वल टू ऑप्शन टू, मतलब यूजर ने सेलेक्ट किया पेपर एंड एंड और कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया, कंप्यूटर ने क्या सेलेक्ट किया, कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया यहां पर मैं उसने सेलेक्ट किया टू मतलब सीजर, और उसने सेलेक्ट किया वन मतलब के रॉक, तो सीजर जो है वो रॉक को कट नहीं करेगी, सीजर जो है वो रॉक को कट नहीं करेगी, तो कौन जीतेगा, कंप्यूटर जो है वो विन हो जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं इक्वल टू ऑप्शन ऑप्शन वन ऑप्शन वन। और यहां पर एक और लगानी पड़ेगी, इफ कंप्यूटर चॉइस सॉरी यूजर चॉइस अगर इक्वल टू ऑप्शन जीरो है मतलब कि रॉक है, और एंड लिखना पड़ेगा यहां पर, एंड कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू ऑप्शन टू है, तो इन सब कंडीशंस में क्या होगा, इन सब कंडीशंस में ये होगा कि यूजर जो है वो जीत जाए सॉरी कंप्यूटर जो है वो जीत जाएगा। मुझे यहां से इसको कॉपी करूंगा, ये यहां से इसको कॉपी करूंगा और डॉट इनर एचटीएमएल यूजर विन सॉरी कंप्यूटर विन, बार बार पता नहीं यूजर विन क्यों निकल रहा है मुंह से, कंप्यूटर विन, और उसके बाद यहां पर प्लस कंप्यूटर ने क्या चॉइस किया था वो लिख दूंगा, कंप्यूटर चॉइस, कंप्यूटर चॉइस, कॉन्कैटिनेशन करना पड़ेगा, प्लस लगाऊंगा तो मेरा काम जो है वो हो जाएगा। बाकी अब मुझे इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, अगर कंप्यूटर नहीं जीता तो जाहिर सी बात है यूजर ही जीतेगा, एल्स में मैं क्या लिख दूंगा, इसी को कॉपी कर दूंगा और यहां पर जो है वो एल्स पार्ट में डाल दूंगा, सिर्फ कंप्यूटर की जगह यूजर लिख दूंगा, एंड दैट्स इट, मेरा काम जो है वो हो जाएगा। फाइल को करता हूँ सेव, आपको दिखा देता हूँ, स्टार्ट गेम पर क्लिक किया, रॉक पर क्लिक किया तो यूजर बेन, यूजर ने सेलेक्ट किया था पेपर और रॉक ने जो है वो पेपर को जो है पेपर जो है वो रॉक को कर देता है मतलब कट। इसका लॉजिक मुझे आज तक नहीं समझ में आया, तो यहां तक इतना हो गया। स्टार्ट गेम पर क्लिक किया, पेपर पर क्लिक किया तो ड्रॉ हो गया, सीजर पर क्लिक किया तो यूजर विन हो गया, सीजर पर क्लिक किया यूजर विन हो गया क्योंकि यूजर ने सेलेक्ट किया था रॉक और रॉक जो है वो सीजर को तोड़ देता है। तो कैसा लगा गेम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो मैंने इसमें स्टाइलिंग की थी वो मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं स्टाइल का टैग लगा देता हूँ, और यहाँ पर स्टाइल का टैग लगाया, यहाँ पर मैं H1 को स्टाइल दे देता हूँ, H1 को क्या करता हूँ कलर व्हाइट कर देता हूँ, कलर व्हाइट, और बॉडी का कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ, बॉडी बैकग्राउंड कलर। आप चाहें तो इसमें और स्टाइलिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं कमेंट के अंदर, इसका जो है नीचे कमेंट सेक्शन और जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसा लगा गेम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा लगा गेम और हेल्पफुल था कि नहीं, और मैं ऐसे गेम लेकर आऊं या नहीं, तो नीचे कमेंट करके सब बातों का जवाब दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे गेम्स वगैरह देखने के लिए, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।